बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नौवा लेक्चर है और हमने आज कैंसिलेशन लॉ का थ्योरम करना है। इससे पहले हम जो है एग्जांपल्स कर रहे थे और हमने ग्रुप थ्योरी की जो बेसिक डेफिनेशंस थी वो सारी की सारी की हैं, और एग्जांपल्स जो थी वो सारी की सारी इस चीज़ पे बेस्ड थी कि हमने कहते प्रूव करना था कि ग्रुप है कि नहीं है। तो इन एग्जाम्पल्स में जो मेजर थी कहते जो मेजर मेजर कॉमन कॉमन एग्जाम्पल्स थी वो सारी की सारी मैंने एक्सप्लेन की है। सेट ऑफ रेजिड्यूज़ की, रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन और एडिशन भी एक्सप्लेन की है, मैट्रिसेस की भी एक्सप्लेन की है, और भी कहते कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन की है। तो कहते उसके बाद जो है अब ये कहते कुछ थ्योरम स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो छोटे से थ्योरम से स्टार्ट करते हैं, देन जो है हम डिफिकल्ट लेवल तक जाएंगे। तो पहला थे ये जो थ्योरम है ये कैंसिलेशन लॉ का थ्योरम है, और ये सिंपलेस्ट थ्योरम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो कहते हैं इसमें जो है कहते हम तीन एलिमेंट्स उठाएंगे ए बी सी, जो कि जी ग्रुप से बिलोंग कर रहे होंगे। ग्रुप से हमने तीन एलिमेंट्स उठाए और हमने प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो हमारे पास बी इज इक्वल टू सी आएगा, या फिर अगर बी ए इज इक्वल टू सी है तो हमारे पास बी इज इक्वल टू सी आएगा। ये है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ये है राइट कैंसिलेशन लॉ। अब जो है हम इनको प्रूव करते हैं। तो कहते हैं प्रूफ की तरफ अब हम आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं, और इसमें जो है कहते हैं हमारे पास कहते हैं किसी भी ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तो कहते हैं हम लोग जो है सबसे पहले जो है हम लोग ले लेते हैं इससे ये चीज़ लेते हैं, और हमने प्रूफ क्या करना है ये चीज़, ठीक है। तो अब देख ले ए वी इज इक्वल्स टू ए सी। अच्छा जी, अब जो है हम दोनों साइडों पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, राइट साइड से, ठीक है। तो ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए सी। उसके बाद जो है हम कहते हैं ब्रैकेट्स का थोड़ा रद्दो बदल करते हैं। पहले ए बी क्योंकि एसोसिएट ग्रुप से उठाएं तो एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करेगा ना, तो चाहे ब्रैकेट आप इन दोनों के दरमियान लगाएं या पहले दो के साथ लगाएं ये मैटर नहीं करता, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रुप है, ठीक है ना। ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इज इक्वल्स टू, इधर भी ब्रैकेट का रद्दो बदल करते हैं, ए इनवर्स इंटू ए इंटू सी। और हमें पता है चूंकि ग्रुप है तो कहते हैं इनवर्स और उसका कहते जो एलिमेंट है और उसका इनवर्स का जो कहते होता है कहते ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन, तो वो किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी के, ठीक है ना, ई बी और ये ई सी। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहते हमें पता है कि आइडेंटिटी से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही नंबर आता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बी इज इक्वल्स टू सी। तो ये हमारे पास सिंपल इस तरह प्रूफ हो गया, बिल्कुल सिमिलर इस ये भी इसी तरह से प्रूफ होगा, इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये क्या है, इधर से ही शुरू करते हैं और इधर तक जाएंगे, बी ए इज इक्वल्स टू सी ए, ठीक है। तो अब ए इनवर्स को इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी ए इंटू ए इनवर्स ब्रैकेट्स हम डाल देते हैं इज इक्वल्स टू सी ए इंटू ए इनवर्स। तो ब्रैकेट चूंकि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, क्यों? क्योंकि ग्रुप है। तो कहते हैं हम जो है क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को रद्दो बदल करेंगे इधर भी, ठीक है। तो सी इंटू ए इनवर्स, राइट। तो अब जो है ये हम लोग कर लेते हैं अब, और हमने कहते हैं जैसा पीछे कहा है कि ए इंटू ए इनवर्स जो है वो क्या होता है हमारे पास, जो कि ग्रुप है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा, सी इंटू ई। अच्छा, और जो है कहते हैं आइडेंटिटी के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, तो बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है जी। तो ये इस तरह जो है कहते हैं हमारे पास ये दोनों राइट कैंसिलेशन लॉ और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे पास, प्रूफ हो गए। ये एक सिंपल सा थ्योरम था। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी थ्योरम्स करेंगे, डिफरेंट थ्योरम्स करेंगे। तो ठीक कहते हैं आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नए थ्योरम कहते हैं आएंगे, मतलब कि नए थ्योरम से आएंगे, और वो थ्योरम है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस थ्योरम पे हम कहते हैं वर्क करेंगे।